જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હરમે સત્યની સાથે વડોદરાથી ચાલી રહ્યું હતું જાસૂસી નેટવર્ક. ગુજરાત એટીએસ અને એસઓજીનું જોઈન્ટ ઓપરેશન સહેજાદ ઝડપાયું. વિવો આઈપી એક્સચેન્જ બનાવી મહારાષ્ટ્રથી ઓપરેટ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. વડોદરાના વાસણા રોડ ડીમાર્ટ સામે સીધા ટેક્સલેન્સ બિલ્ડિંગમાં દુકાન ભાડે રાખવામાં આવી હતી. ઇન્ટરનેશનલ કોલ રૂટિંગ કરવા માટે જીઓ વાઈફાઈના રાઉન્ટર ગોઠવામાં આવ્યા હતા. વડોદરાને પહેલાથી જ ક્રિમિનલોનું હબ માનવામાં આવે છે. મોટા ગુનોને અંજામ આપ્યા બાદ ગુનેગારો વડોદરા શહેરમાં આશરો લેવાનું પસંદ કરતા હોય છે. ત્યારે શહેરના વાસણા રોડ પર ચાલતા જાસૂસી નેટવર્કનો સ્પાય નેટવર્ક ગુજરાત એટીએસ અને વડોદરા એસઓજી. अपनी गुजरात एटीएस का जो पास्ट में कामगिरी रही है, प्रेजेंट में भी रही है, हमेशा सराहनीय रही है. आज जो बड़ौदा का ये मामला है, इसमें गुजरात एटीएस की टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली थी जो इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में डाइवर्ट करने के बारे में थी. इस सिलसिले में एटीएस के इंस्पेक्टर श्री और उनकी टीम ने यहां डीमार्ट के सामने एक कॉम्प्लेक्स है उसमें एक रूम में रेड करी. रेड के दौरान एक इसम शहजाद मोहम्मद रफीक मलिक वो वहां से पाया गया. साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिली, राउटर और टेलीफोन का जो एक्सचेंज होता है इसकी सामग्री वहां से पाई गई. पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लोग यहां पर वीओआईपी एक्सचेंज चला रहे थे. अब ये एक्सचेंज जो होता है उसकी बात ये है कि इसमें जो ये जो आरोपी पकड़ा गया है अभी शहजाद, उसकी पूछताछ में और तीन नाम मिले हैं जो थाने की ओर के हैं, जिमी, हारून और इशाक. ये तीनों का भी इंट्रोगेट किया जाएगा. अभी जो पता चला है कि इस तरह के कॉल से क्या नुकसान हो सकता है, तो ये पहले भारतीय अपने देश के अर्थतंत्र को बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो कॉल है इंटरनेशनल कॉल लोकल में कन्वर्ट हो जाए तो इसे अपने अर्थतंत्र को नुकसान है. दूसरा ये भी है कि ये अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ खतरा खड़ा करते हैं कि अगर इस तरीके से ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इंटरनेशनल कॉल की आइडेंटिटी छुपाई जा सकती है, तो ये मेरा ज़रूर मानना है कि ये अपनी देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है. और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एटीएस ने मेहनत करके ये फाइंड आउट किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन बड़ौदा एसओजी की टीम कर रही है. पूरा मामला स्पाई नेटवर्क से कैसे जुड़ा हुआ था, एटीएस बता रही है कि नेटवर्क इसमें जियो फाई का जो राउटर आता है और वाईफाई राउटर और सीपीयू, उसमें जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ किया गया है. जो इंटरनेशनल कॉल आता है वो लोकल कॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरनेशनल कॉल करने वाले पर्सन की और कॉल की सभी आइडेंटिटी अपने आप अंदर से निकल जाती है. ये ऐसा नेटवर्क है. टेक्नोलॉजी की बातें हैं, अभी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट भी इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं, आगे छानबीन और तजबीज चालू है. महाराष्ट्र के अभी जो नाम मिले हैं वो तीन नाम आए हैं, मैंने अभी आपके सामने बताया. गुजरात एटीएस की टीम है पूरे राज्य में और देश में भी
इसके लिए ज़रूरत लगेगी, वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी। अभी जो यहाँ का मामला है वो बड़ौदा का है और बड़ौदा में जो मैटर मिला है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन बड़ौदा SOG की टीम है और PI श्री सोलंकी साहब हैं, वो लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अपनी गुजरात ATS का जो पास्ट में कामगिरी रही है, प्रेजेंट में भी रही है, हमेशा सराहनीय रही है। आज जो बड़ौदा का ये मामला है, इसमें गुजरात ATS की टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली थी जो इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में डाइवर्ट करने के बारे में थी। इस सिलसिले में ATS के इंस्पेक्टर श्री और उनकी टीम ने यहाँ डीमार्ट के सामने एक कॉम्प्लेक्स है उसमें एक रूम में रेड करी। रेड के दौरान एक इसम शहजाद मोहम्मद रफीक मलिक वो वहां से पाया गया, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिली, राउटर और टेलीफोन का जो एक्सचेंज होता है इसकी सामग्री वहां से पाई गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लोग यहां पर VOIP एक्सचेंज चला रहे थे। अब ये एक्सचेंज जो होता है उसकी बात ये है कि इसमें जो